नमस्कार, आपका स्वागत है डीवी न्यूज में। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री और शिवसेना नेता दीपक केसरकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी को सरेआम धमकी दे रहे हैं। वीडियो में महिला और उनके बीच में नोकझोंक होते हुए साफ तौर पर देखी जा सकती है। महिला शिक्षक अभ्यर्थी के सवाल पूछने पर आपा खो देते हैं और उसे अयोग्य घोषित करने की धमकी दे देते हैं। इसे लेकर केसरकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। बता दें, एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सूले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, वीडियो को देखने के बाद आश्चर्य होता है, वास्तव में इन मंत्रियों को हुआ क्या है। एक वरिष्ठ मंत्री इन दिनों सार्वजनिक सभाओं में जनता को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह रवैया क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मान्य है अथवा तीनों की सहमति है? सुप्रिया सूले ने यह भी मांग की है कि दीपक केसरकर को शिक्षिका से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। दरअसल ये पूरी घटना बीते रविवार की है। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर अभ्यर्थियों से मिलने महाराष्ट्र के बीड के कपिल धर पहुंचे हुए थे। इसी दौरान जब एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी ने केसरकर से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में काफी देरी के बारे में सवाल किया, तो शुरुआत में केसरकर ने शांतिपूर्ण तरीके से जवाब देते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पोर्टल पर काम जारी है, आप ज्यादा सवाल करेंगी तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।